जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में जिला कुल्लू के विभिन्न इलाकों से देवी देवता अपने अपने अस्थायी शिविरों में बैठे हुए हैं और हजारों भक्त हर रोज इन देवी देवताओं के दर्शन कर रहे हैं। सभी देवताओं की अपनी अलग अलग मान्यता है और देवता भक्तों की इच्छाओं को भी पूरा कर रहे हैं। ऐसे में भक्त भी दिल खोल कर देवी देवताओं को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, लेकिन दशहरा उत्सव में एक ऐसा भी देवता शामिल है जो ब्राह्मणों से कभी दान नहीं लेता, बल्कि ब्राह्मण को हमेशा दान देता है। सनातन धर्म में भी ब्राह्मणों को दान देने का विधान लिखा गया है और इंसान के साथ साथ देवता कालीनाग जोड़ा नारायण आज भी इस विधान का पालन कर रहे हैं। स्थितियों के अनुसार और तथ्य में भी माता रूपासन देवता कालीनाग की बहन है, छोटी बहन है, इन दोनों का साथ चलना दशहरे के लिए अनिवार्य है। और जो माता रूपासना है पूरा साथ देती है देवता, और देवता पूरा साथ देते हैं माता रूपासना का। इनका दशहरे में आना लोगों के लिए भी, सबके लिए, जनता जनार्दन के लिए बहुत उपयोगी है। जबकि हम बहुत साल के बाद दशहरे में आए हैं, माता जी और हमारे देवता श्री कालीनाग जोड़ा नारायण जी भी यहाँ आए हैं। इसका यहाँ पर बहुत बड़ा, लोगों ने देखा, आप सब ने देखा, यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, भोजन व्यवस्था हमारी चल रही है, इनकी बदौलत सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं। और हमारी सोच है कि जो लोग यहाँ आते हैं वो लोग सब इनकी कृपा के पात्र हैं, उन पर कृपा दृष्टि इनकी रही है, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी इस प्रकार की कृपा दृष्टि बनी रहे। ब्राह्मणों से नहीं लेता है, ब्राह्मणों को देता है, और शास्त्र का जो है वो बहुत ज्ञाता और शास्त्र को ज्यादा जानते हैं कि जितना भी इसके पास यज्ञ पाठ किया जाए उतना इसके अंदर जो है तब ज्यादा बढ़ता जाता है, और साथ में हमारा को जो सूक्ष्म दी हमारा जो है कोठी कंडी के लिए त्रिकुपरी वैली के लिए जो है ये आशीर्वाद का हमारा पर सारा देवता कालीनाग जोड़ा नारायण जी का सदा रहता है। देवता कालीनाग जोड़ा नारायण मणिकर्ण घाटी के मतेउड़ा से ढालपुर आए हैं और साथ में उनकी बहन माता उपासना भी एक साथ बैठकर भक्तों को दर्शन दे रही हैं। देवता कालीनाग के देवरथ में देवता जोड़ा नारायण का भी मोहरा लगा हुआ है, जिसके चलते इनका नाम देवता कालीनाग जोड़ा नारायण रखा गया है। कहा जाता है कि आदिकाल में देवता कालीनाग और देवता जोड़ा नारायण का मिलन हुआ तो उस दौरान उन्होंने कसम खाई थी कि वे कभी अलग नहीं होंगे, जिसके बाद से वे दोनों एक ही रथ पर विराजमान होकर भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा कर रहे हैं। पंजाब के सिटी टीवी के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।